हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ सूजी और पोहे का एक ऐसा नाश्ता जो अगर आप एक बार बना करके खा लोगे ना तो बार बार बना करके खाओगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ कप पोहा और इसे हम पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, पोहे को हमने 2 से 3 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। यहाँ मैंने एक और बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 3/4 कप सूजी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, लगभग 1/4 कप। ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना जो ये पेस्ट है वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। थोड़ा सा ही पानी हमें इसमें डालना है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाने तक हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे भी हम ढक करके 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए, थोड़ी देर बाद पोहा एकदम अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे हाथों से हल्का सा मैश कर लेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी भी एकदम अच्छे से फूल करके तैयार हो गई है। सूजी में हम डाल लेंगे मैश किए हुए पोहे और साथ ही डाल लेंगे 1/2 कप बारीक चॉप की हुई पत्ता गोभी, 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 से 2 गाजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें डाल लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे। हरा धनिया थोड़ा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैश किया हुआ पनीर डाल लेंगे, साथ ही कुछ मसाले डाल लेंगे, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही हम इसमें नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही 1 चम्मच चाट मसाला भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सभी चीज़ों को डाल लेने के बाद अब हम इसे साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इस पेस्ट की टिकिया बनाएंगे। इसके लिए हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, इससे बैटर हाथों पर चिपकेगा नहीं। अब हम थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और इसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए और हल्का प्रेस करते हुए हम इसे हल्की सी टिक्की की शेप दे देंगे। मैं यहाँ गोल शेप दे रही हूँ, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। एक पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम टिक्की को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम कर देंगे। एक साथ में हम 3 टिक्की फ्राई कर लेंगे। ऑयल में टिक्का डाल लेने के बाद गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है वरना ये टिक्की एकदम अच्छे से पकेगी नहीं। थोड़ी देर एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद इसे हम पलट देंगे। इसे हमें लगभग 2 से 3 बार पलटते हुए पका लेना है, जब तक कि एकदम अच्छे से कुरकुरी ना हो जाए। दोस्तों, इस तरह से बनाए गए ये कटलेट बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़ी देर बाद हम इन कटलेट को फिर से पलट देंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ इसे डीप फ्राई किया है, आप चाहें तो इन्हें सोलो फ्राई भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वेजेज़ हैं इसलिए आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा, और शाम को चाय के साथ भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये कटलेट दोनों तरफ से एकदम अच्छे फ्राई हो गए हैं, बहुत ही कुरकुरे हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से ये बन करके तैयार हो गए हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तब आप इसे आसानी से बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स, आप इस टेस्टी चटपटे स्नैक्स का मजा लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।